इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एसीसी एंड आप जानना चाहते हैं कि आपको एसीसी में कौन कौन से एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं बेस्ड अपॉन द कोर्सेज यू हैव ऑलरेडी परस्यूड, देन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग रिलेटेड टू एसीसी एग्जेम्पशंस। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ एस्पर। सो गाइस, इस चैनल पर आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और बहुत सारे इंटरटेनिंग वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो जल्दी से मेरी आर्मी को ज्वाइन करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आ जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय एसीसी एग्जेम्पशन। तो देखिए, इन जनरल एग्जेम्पशन मींस यू डोंट हैव टू स्टडी द सेम टॉपिक्स, द सेम सिलेबस अगेन, अगर आप वो टॉपिक्स या फिर सिलेबस किसी और कोर्स में से पढ़ के आ चुके हैं तो। सेम चीज एसीसी पर भी एप्लीकेबल होती है, अगर आप किसी और कोर्स में कोई सब्जेक्ट पढ़कर आ चुके हैं तो आपको वो सब्जेक्ट यहाँ पर फिर से पढ़ना नहीं पड़ता है। एंड दैट इज वाई जो एग्जाम्स आप पहले देने वाले थे वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ एग्जाम्स में एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एट व्हाट लेवल द एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल। तो देखिए, एसीसी में आपके टोटल 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इज नॉलेज लेवल, सेकेंड इज स्किल लेवल एंड देन थर्ड इज प्रोफेशनल लेवल। तो आपको जो एग्जेम्पशंस मिलेंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल पर ही मिलती हैं, प्रोफेशनल लेवल पर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एसीसी फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं तो आपको वहां पर भी एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, लेकिन सेम चीज अप्लाई नहीं होती है अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जो कि पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आता है, देन वहां पर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस आपको मिल सकते हैं बेस्ड अपॉन द कोर्सेज जो कि आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सीए। तो अगर आपने सिर्फ सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर रखा है ना, देन एसीसी में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वही मैं बात करूँ सीए इंटर के, अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर रखा है देन यहाँ पर आपको मिलते हैं टोटल 5 एग्जेम्पशंस। नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम जो कि है बीटी, एमए, एफए, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर आपको इसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है। वहीं आपके 2 स्किल लेवल के एग्जाम भी एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, जिसमें आता है आपका टैक्स एंड ऑडिट। ठीक है, तो ये 5 एग्जेम्पशंस आपको मिलती हैं अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर रखा है तो। वहीं अगर आपने सीए इंटर भी क्लियर कर लिया, साथ के साथ आपकी बीकॉम भी हो चुकी है, देन यहाँ पर आपको मिलती हैं टोटल 6 एग्जेम्पशंस। आपका नॉलेज लेवल के 3 पेपर एग्जेम्प्ट होते हैं, बीटी, एमए, एफए। वहीं आपके स्किल लेवल के 3 पेपर्स एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स, लॉ एंड ऑडिट। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 6 पेपर्स एग्जेम्प्ट। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट ये भी आ जाता है कि अगर आपने सीए इंटर का एग्जाम दिया था लेकिन आप उसको क्रैक नहीं कर पाए, बट अगर आपके टैक्स या फिर ऑडिट में 40 या फिर उससे ऊपर मार्क्स आ गए ना, देन आपके टैक्स या फिर ऑडिट का पेपर एग्जेम्प्ट हो सकता है। जी हाँ, सो इट मींस कि अगर आपका सीए इंटर का ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है लेकिन टैक्स या फिर ऑडिट में आपके 40 या फिर उससे ऊपर मार्क्स आ गए, तब भी आपको टैक्स एंड ऑडिट में एग्जेम्पशन मिल सकती है इन एसीसीए। वहीं अगर आप सीए क्वालिफाइड हैं देन यहाँ पर आपको मिलती है टोटल 9 एग्जेम्पशंस। जी हाँ, मतलब पूरा नॉलेज लेवल की 3 एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, साथ के साथ स्किल लेवल के 6 एग्जाम जो आपको देने पड़ते हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, और आपको एसीसी के प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स ही देने पड़ेंगे। जी हाँ, तो ये बात हो गई सीए के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सीएस के बारे में। तो अगर आप सीएस क्वालिफाइड हैं देन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको एसीसी में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं सीएमए के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप पहला सीएमए क्वालिफाइड हैं लेकिन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 साल या फिर उससे ज्यादा का है। इन दैट केस अगेन आपको 9 एग्जेम्पशंस मिलते हैं जस्ट लाइक सीए क्वालिफाइड। ठीक है, आपका पूरा नॉलेज लेवल एग्जेम्प्ट हो जाता है, साथ के साथ आपके स्किल लेवल्स के 6 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, टोटल 9 पेपर्स आपके यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। आपको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। वहीं अगर आप सीएमए क्वालिफाइड हैं लेकिन आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है ना वो 5 साल से कम का है, देन यहाँ पर आपको 7 पेपर्स के एग्जेम्पशन मिलती है। नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, वहीं स्किल लेवल के 4 एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है लॉ, टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल। तो इस तरह से आपके 7 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये हो गई सीएमए के बाद। बात करते हैं एमबीए इन फाइनेंस के बारे में। तो देखिए, अगर आपने एमबीए कर रखे दैट टू इन फाइनेंस, देन जो आपको एग्जेम्पशंस मिल सकती है एसीसी वो डिपेंड करेगी आपके ग्रेजुएशन के ऊपर। ठीक है, सो देर इज नो सेट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर आपको जस्ट बिकॉज आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है तो आपको एसीसी में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। वो आपको चेक करना पड़ेगा एसीसी की साइट पर जाकर, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, आप बात कर लेते हैं बीकॉम के बारे में। तो अगर आपने बीकॉम कर रखी है देन यहाँ पर एसीसी में आपको टोटल 4 पेपर के एग्जेम्पशन मिलते हैं। नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, साथ के साथ स्किल लेवल का लॉ का पेपर भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल पॉइंट, कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रखी है या फिर बीकॉम कर रहे हैं दैट टू इन रेगुलर या फिर ओपन से, तो यहाँ पर आपको
चार पेपर की एग्जेम्पशन तब भी मिल जाती है। दैट मींस कि अगर आपने इवन फर्स्ट सेमेस्टर भी दिया ना बीकॉम का फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तब भी आपको ये चार एग्जेम्पशन मिल जाएंगे। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। वही एक और स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अगर आपने सिर्फ अपनी 12th पास कर रखी है या फिर आप ग्रेजुएट हैं बट फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, देन अनफॉर्चुनेटली अगेन यहाँ पर आपको ACC में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सो अब अगर आप प्लान कर रहे हैं टू परस्यू ACC देन फॉर कोचिंग क्लासेस, यू कैन गो फॉर लर्न 91 विच इज अ गोल्ड अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर ऑफ ACCA। सो अगर आप लर्न 91 के थ्रू ACCA में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं देन यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। साथ ही साथ बेस्ट पार्ट की जो भी लर्न 91 की टीम है ना वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ख्याल रखेगी सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन अवेलिंग द एग्जेम्पशंस एज वेल। तो आपको एग्जेम्पशन अवेलिंग प्रोसेस की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ की कोचिंग फीस काफी अफोर्डेबल है। सो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं थ्रू लाइव क्लासेस जो कि आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दे ऑल्सो रन मल्टीपल 24/7 स्पेशल कम्युनिटीज टू शेयर द इंपॉर्टेंट अपडेट्स विद यू। इन कम्युनिटीज में आपके होंगे फैकल्टीज, स्टूडेंट्स एंड टेक्निकल टीम भी, ताकि आपके जो भी इश्यूज हैं वो जल्दी रिजोल्व हो पाए। सो विदाउट अ डाउट फॉर ACCA गो फॉर लर्न 91। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक दैट आउट। Now let's talk about how we can check कि कौन कौन से exemptions के लिए हम eligible हैं। तो देखिए मैंने CA, CA, CMA, MBA and BCom की बात तो यहाँ पर कर दी है, लेकिन अगर आप कोई और course pursue कर रहे हैं then यहाँ पर आपको exemption का कैसे पता चलेगा ये आप check कर सकते हैं through ACCA exemption calculator जो कि आपको ACCA की site पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी university का नाम डालना है and year of passing भी डालना है, उसके basis पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से exemptions के लिए आप eligible हैं। And if you want a separate video to check कि हम कैसे ACCA exemption calculator use कर सकते हैं then do let me know, मैं उसके ऊपर भी video बना सकती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं regarding the fees for availing the exemption। Yes, यहाँ पर आपको fees देनी पड़ती है even अगर आप किसी exam में exempt हैं तब भी। जी हाँ, और ये फीस क्या रहती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप नॉलेज लेवल के किसी एग्जाम की एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं देन पर एग्जाम आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं £86 जो कि आपके बनते हैं रफली 9000। वहीं अगर आप स्किल लेवल के किसी एग्जाम की एग्जेम्पशन अवेल करना चाहते हैं देन यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे £114 जो कि आपके रफली बनते हैं 12000। ठीक है, लेकिन आपको ये फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लर्न 91 के थ्रू ACCA में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि अगर आप लर्न 91 के थ्रू खुद को ACCA में रजिस्टर कराते हैं ना तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन फीस पड़ने वाली है £15 की फॉर मोस्ट ऑफ योर एग्जाम, जो कि रफली आपको पड़ेगा 1500 से 1600 रुपये। तो कहाँ 1500-1600 रुपये और कहाँ पर 12000, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। सो डेफिनेटली आप लर्न 91 के थ्रू रजिस्टर कराइए तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जी हाँ, सो ये हो गई बात रिगार्डिंग ACCA एग्जेम्पशन। मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। इन केस आप ACCA के रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पर देन डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करी है ना देन प्लीज इसको लाइक करना, इसको शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एज वेल। विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अशफाक खान साइनिंग ऑफ। बाय।